नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक गंभीर विषय लेकर आया हूं जिससे दुनिया त्रस्त है और सारी दुनिया इससे कहीं ना कहीं जूझ रही है, कहीं ना कहीं उसके मन में भय है। छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो मुझे लगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दुनिया में लोग ही नहीं बचेंगे तो हम और आप किससे बातें करेंगे, और उस स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस धरती पर सबसे समझदार और प्राकृति के करीब जानवर को समझा जाता है, क्योंकि जानवर प्राकृति में घटने वाले आपदा या विपदा की जानकारी उनको प्राकृति से पहले ही मिल जाती है। मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आप लोगों का कि उस सुनामी को याद कीजिए। सुनामी में किसी भी यंत्र या किसी भी साइंटिस्ट को यह जानकारी नहीं थी कि सुनामी आज आने वाली है, लेकिन सबसे पहले उसमें जानकारी अगर किसी को थी तो वो जानवरों को, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो। प्राकृतिक आपदा या विपदा आने के पहले इनको आभास हो जाता है। एक कुत्ते की कहानी मैं आपको बताऊं। लोग कहते हैं कि आगंतुक व्यक्ति को देख करके कुत्ता भौंकने लगता है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि आगंतुक व्यक्ति को देखकर या चोर को देखकर या किसी ऐसे व्यक्ति जो यहाँ आना उसको वर्जित है, देखकर उसके मुंह से भूख निकल जाती है। इसके पीछे कारण उसका लगा कि उसका पूंछ भारी हो जाता है, तो नेचर ने ऐसा सिस्टम उसमें दिया। वही नेचर एक ऐसी विपदा, एक ऐसी महामारी लेकर आया है जिसका खौफ हम लोगों के दिल में नहीं है। एक छोटी सी बात, जो बीमारी या जो एक्सीडेंट को हम नहीं जानते कि आज एक्सीडेंट होने वाला है, उसके लिए हम सुरक्षा के बहुत सारे पुख्ते इंतजाम करके घर से बाहर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं, मान लीजिए कि आपको बाइक से कहीं जाना है, सबसे पहले जूता पहनते हैं, फिर हेलमेट लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, फिर गाड़ी को सुरक्षित देकर आगे बढ़ते हैं। आपका कहीं एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, आपकी कहीं मृत्यु होने वाली नहीं है, ये बात सत्य है। जो होने वाली नहीं है उसके लिए हम इतना सुरक्षित होकर के घर से निकलते हैं। यहाँ तो पग पग पर खतरा है। कब किस व्यक्ति से आप टकराए, कब किस व्यक्ति से आपने संक्रमण ले लिया, आप खुद नहीं जानते। उससे हम एकदम निफिक्र हैं, बेफिक्र हैं, कोई चिंता हमें नहीं है। प्यारे दोस्तों, देखा देखी पर दुनिया चलती है। अच्छाई का पक्ष भारी हुआ तो अच्छाई की तरफ बढ़ गए, बुराई का पक्ष भारी हुआ तो बुराई की तरफ बढ़ गए। हमने उसको देखा, ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ। अनुसरण हम हमेशा बड़े लोगों को देखकर करते हैं, जिसका समाज में कुछ प्रभाव होता है, जो नीचे तबके से उठकर समाज में ऊंचे तबके तक गया है, ऊंची बुलंदियों तक छुआ है, उसका हम अनुसरण करते हैं। एक बड़ी चीज जो आप देख तो रहे हैं लेकिन उसके बारे में तनिक भी आपने सोचा नहीं। मेरे हिसाब से इस धरती का सबसे बुद्धिमान, इस धरती का सबसे चालाक, इस धरती पर सबसे शातिर अगर कोई जाति है तो वो है नेताओं की जाति, हमारे नेताजी, जो हमारे बल पर हम ही पर राज करते हैं। उनका अनुसरण करके, उनकी बातों को मान करके हम उनके पीछे दौड़ जाते हैं, चाहे उसके पीछे हमारा कोई भी स्वार्थ रहा हो। तो अगर हम उठाएं, उनको भी मान लें कि वो बुद्धिजीवी हैं, वो चालाक हैं, तो वो तो छुप चुके हैं। उनको डर सताने लगा है कि ये कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस कोरोना संक्रमण में, इस कोरोना की वैश्विक बीमारी में आज तक किसी नेता का हमने स्टेटमेंट नहीं सुना, किसी नेता का किसी कोरोना पीड़ित को मदद करने गया हो, उसके खाट पर बैठा हो, उसके कुर्सी पर बैठा हो या उसके करीब जाकर बात किया हो, ये किसी मीडिया के माध्यम से, किसी अखबार के माध्यम से हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं। चलिए हम उनका ही अनुसरण करते हैं। तो जब समाज का इतना बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने आप को स्थिर कर लिया
अपने आप को सुरक्षित कर लिया, जनता कहीं जाए। प्यारे दोस्तों, बहुत सोचने और बहुत समझने की जरूरत है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये आपके जान पर आने वाली बात है। इससे आपका जीवन, आपका परिवार, आपका नस्ल तक खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। आपके पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, आपके धन धरे के धरे रह जाएंगे। कुछ लोगों की बातें मैंने सुनी है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसके लिए अर्थव्यवस्था है, किसके लिए आर्थिक स्थिति है? जब ये प्राण बचेगा, जब हमारे परिवार बचेंगे, जब हमारे बाल बच्चे बचेंगे, जब हमारा नस्ल बचेगा, तभी तो अर्थ की आवश्यकता है। प्यारे दोस्तों, प्राण बचाना जरूरी है, अर्थ की चिंता नहीं। मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, धन की तीन गति बताई गई है। अब पहली गति की बातें आ गई। अगर आपने धन रखा है तो पहला उसका गति है कि उसका भोग करो, उसका इस्तेमाल करो। धन जो आपने रखा है उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। भविष्य की चिंता मत कीजिए, भविष्य की चिंता करके वर्तमान को खराब नहीं करना है, ये वैश्विक बीमारी हमें बता रही है। पहला है कि जब आपके पास धन है तो उसका भोग करो। दूसरा है, भोग भी नहीं होता तो दान करो। अगर ये दो काम नहीं करते तो वो धन नाश होने वाला है। हर व्यक्ति के पास भविष्य की योजनाएं हैं और भविष्य की योजना बनाकर वो रखा है, क्योंकि वो समाज में रहता है, परिवार में रहता है, उससे उसने सीखा है। हम समझते हैं कि लोगों के पास साल दो साल के बजट बनाकर लोग रखते हैं और खाने की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रूखा सूखा हमें खाना है। अगर थोड़ा सा रूखा सूखा खा करके हमारे प्राणों की रक्षा होती है तो हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। हमको भी रूखा सूखा खाकर अपना जीवन यापन करना होगा, जब तक ये वैश्विक बीमारी इस धरती से चली नहीं जाती या कोई दवाई याद नहीं हो जाता। प्यारे दोस्तों, जान बहुमूल्य है, इसको रुपये से, इसको पैसे से, इसको धन दौलत से नहीं तोला जा सकता। वही बात मैं कह रहा हूं, आप अपने परिवार की धुरी हैं, सोचिए। और उस धुरी को कुछ हो जाता है, फिर परिवार आपका कहां जाएगा? किसकी चिंता कर रहे हैं, किसके लिए पैसा बचा रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कम से कम आप अनुसरण करके ही, कम से कम आप देखा देखी करके ही उस नेताजी से कुछ शिक्षा लीजिए, और आप जहाँ भी रहिए अपने आप को, अपने परिवार को एकदम सुरक्षित रखिए। ये मेरी विनम्र विनती है आपसे। और मैं अंत में यह कहना चाहूँगा उस चूहे की बात, कि चूहों ने बहुत परेशान किया तो घर का मालिक घर में आग लगा दिया कि ये चूहा नहीं रहेंगे तो मैं शांति से रहूँगा। लेकिन घर में आग लगाने के बाद घर तो जल गया, लेकिन चूहा सुरक्षित बच गया, इसलिए कि वो बिल में था, बिल में उसका सुरक्षित स्थान था। उस व्यक्ति को यह शिक्षा मिली कि चाहे कुछ भी कर लो, व्यक्ति जब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है तो वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। जैसे चूहे के लिए वह बिल था, वैसे हमें सुरक्षित रहने के लिए हमारा घर है। हम घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, वही चीज़ खाएं जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। धन्यवाद। यह बात मुझे समझ में आई जो मैंने आप लोगों के साथ सामने रखा, जो आप लोगों के साथ रखा। अगर अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं और कमेंट करके बताएं, कोई त्रुटि हो तो हम उसको आगे सुधारें।